बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर आज अपना 67वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बता दें कि ऋषि कपूर का जन्म सन 1952 में मुंबई में हुआ था। ऋषि कपूर सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले सेलेब्स में से एक हैं और अक्सर ही कुछ न कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसके चलते लाइमलाइट में आ जाते हैं। वहीं आज उनके बर्थडे के मौके पर आज हम आपको उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी कुछ बातों से रूबरू कराने जा रहे हैं। ऋषि कपूर ने सन 1973 में फिल्म बॉबी से बतौर एक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी और इस फिल्म में उनके अपोजिट नजर आई थी बॉलीवुड एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म के बाद से ही इन दोनों के रिलेशनशिप को लेकर खबरें आनी शुरू हो गई थी। उस दौर में इन दोनों ने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी, लेकिन इनका प्यार परवान चढ़ने से पहले ही इन दोनों के रास्ते अलग हो गए और कुछ ही समय बाद ऋषि कपूर का नाम जुड़ा नीतू सिंह के साथ और इनका 5 साल का लंबा अफेयर आखिरकार इन्हें शादी तक ले ही गया। वहीं खबरों की माने तो शादी वाले दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे हर कोई हैरान रह गया। आपको जानकर भले ही हैरानी हो, लेकिन शादी वाले दिन नीतू और ऋषि दोनों ही बेहोश हो गए थे, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। इसके पीछे की वजह ये थी कि नीतू अपने भारी भरकम लहंगे को संभाल नहीं पा रही थी। वहीं दूसरी ओर ऋषि कपूर भी अपने आसपास की भीड़ देखकर बेहोश हो गए और उन्हें घोड़ी चढ़ने से पहले ही चक्कर आ रहे थे। वेल, आज इन दोनों की जोड़ी को बॉलीवुड की पसंदीदा जोड़ियों में शुमार किया जाता है और अपनी निजी जिंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव देखने के बाद भी ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। बॉलीवुड जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।